नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के खड्डा क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद अदीस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं नगर पंचायत खड्डा के वार्ड नंबर 5 में मैं उपस्थित हूँ और मैं यहाँ पर एक वार्ड पार्षद के पास मौजूद हूँ जो चुनाव में खड़े हुए हैं। चूंकि बड़े बड़े इसमें योद्धा आए हुए हैं तो मैं चाहता हूँ इनकी राय क्या है, इनके वार्ड के बारे में क्या, जिन उम्मीद के साथ इस चुनाव में खड़े हुए हैं क्या लोगों की उम्मीद को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए मैं आपसे बोल कराता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती समय हमारे चैनल के माध्यम से समाज में दे रहे हैं। सर जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर, अभी सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सर, बहुत सारी पार्टियाँ, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य भी सब पार्टियाँ हैं सर, उन लोगों को छोड़कर आप आम आदमी पार्टी को चुने हैं? क्योंकि हमको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जो काम करके दिखाएगी उसकी पार्टी नहीं करती दिखाएगी। क्योंकि हमने जिस सभासद को जिताया, जिस चेयरमैन को जिताया, हमारे वार्ड नंबर 5 में आज तक कोई सफाई नहीं हुई, सफाई हमने सोचा मेरी जनता के लिए सहयोग करवाए, अपने जनता को अभी बन सहयोग दें। तो मैं एक बार सोचा मन में, क्या चुनाव मैं लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ सकता हूँ। मैंने कहा चलिए सीट आएगी तो सोचा जाएगा। जैसे 2014 में आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन किया था, तब तक सोचे भाई तीन दिन लड़े, तब पार्टी के जिला जी का फोन आया, मेरे साथ वही चुनाव लड़ेंगे। पूछा जी हाँ लड़ेंगे। फिर बाद में मोहल्ले में जाके देखा, टोटल नाली 5 साल से आके बाहर साफ नहीं हुई है। जब हमारे महाराज जी आए थे तब नाली को साफ किया गया, सड़क बाहर आ गया था। यहाँ पानी की बहुत 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 ज़्यादा किल्लत है। जैसे मान लीजिए चीनी मिल सुगर मिल फैक्ट्री है, इसके वजह से भी हम लोग के पांड और पार्क में बहुत पीला पानी आता है। पहला प्रस्ताव मेरा यही है, अगर जनता ने आपको सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैंने जनता से भी अपील की है। सुबह पहला प्रस्ताव यह है मेरा, नगर अध्यक्ष के पास जाएंगे, कहेंगे पहला प्रस्ताव पहले हमारी सफाई कर्मी का नाम बता जाए। इस वार्ड नंबर 5 में जिसे 12 वार्ड है, 12 वार्डों में सफाई कर्मी हर वार्ड में होते हैं। तो मैंने पहला विकल्प दे दिया कि सफाई कर्मी का जो है ध्यान रखते हुए मैंने कहा जनता से कि आगे आगे हम चलेंगे, पीछे पीछे सफाई का भी, नाली को भी साफ कराएंगे और जो है सड़क को भी भरवाएंगे। और दूसरी बात, 5 साल बाद हमारे चेयरमैन साहब राजेंद्र कुमार प्रसाद जी एक आरोप प्लांट बैठाते सुधा चौक पे, 1 रुपया लीटर पानी 5 साल 6 साल से बंद पड़ी हुई है। पहले तो उसका प्रस्ताव रखे थे भाई पानी का सुविधा हमारे हमारी जनता को मिल सके। और सर, सवालों का अंबार है वार्ड में या इस यूपी के नगर पंचायत खड्डा में। अभी सर आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है पानी का, नाली का और सड़क का। लेकिन सर, मैं आपकी जो विपक्षी पार्टी है उन्हें एक सेंटेंस आप भी सुने होंगे, बीते समय में बहुत चर्चा हो पूरे हिंदुस्तान में। जी जी जी। मेरी आप इशारा को सर समझ गए, यूपी में सब, लेकिन आपके अनुसार अभी आपके खड्डा में सर बहुत समस्या है, कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, कोई भी अगर हमारा चेयरमैन बढ़ता है बढ़ते तो जरूर ना जरूर कुछ काम करके दिखाएगा। हमारे जो है विधायक भी है लगे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई हम सड़क का जो है पूरे खड्डा नगर को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे। अभी भी हमारे विधायक जी ने 5 सर मैं आपको बता दूं कि अभी खड्डा जो है ना गड्ढा में तब्दील हो गया है, सड़कें हो गई, खासकर अब स्वयं सर देख सकते हैं क्या स्थिति होती है जब बारिश आती होगी। तो इसके बारे में सर आपकी तो क्या राय है, चाहे गली हो, सड़क, चाहे मुख्य मार्ग हो, उसके लिए भी हम लोग भी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द उस गड्ढे को मुक्त कराने की कोशिश करेंगे अगर जनता ने सहयोग दिया। जी सर, आप जो है जनता को आप किन किन कार्यों को करने का आश्वासन दिया है? जनता को पहले देखता यह है पानी का, दूसरा नाली की सफाई, तीसरा सड़क की सफाई, चौथा जो भी सड़क टूटी फूटी है उसको सुंदरीकरण बनवाने का काम करेंगे, जो नाली टूटी फूटी उसको नाली को बनवाने का काम करेंगे। चलिए सर, लास्ट सर आपसे प्रश्न है,
आप अपने वहां के मतदाता गण को मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए, क्या करेंगे? अगर जनता हमको प्यार दिया उसी पर बैठाया, वादा करते हैं सारी मनोकामनाएं उनका पूर्ण रूप से पूरा करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और तो ये थे हमारे वार्ड नंबर 5 के सर सुना नंदकिशोर सर, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से टिकट लिया है और संघर्ष भी कर रहे हैं। अब आपके तमाम भी पार्टियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये 4 मई को अब यहाँ दिवस जनता तय करेगी कि सत्ता किनके हाथ में लेना है, सत्ताधीश किनको बनाना है। क्या पार्टी बेसिस पर लोग चुनाव चयन करेंगे व्यक्ति को या व्यक्तिगत रूप से? अब ये तो 13 मई को ही मालूम चलेगा सर, क्योंकि काउंटिंग उसी दिन है। तो मैं चाहूँगा जो भी व्यक्ति है, जो भी मतदातागण है, उसी व्यक्ति को चुने, साफ छवि को, जिस पर आपको बिलीफ लगे कि इससे विकास की उम्मीद रखी जा रही है, क्योंकि 5 साल वैसे गया जैसे पिछले कार्यकाल में बीता हुआ। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम के मतलब पर्सनल कलीम कुरैशी के साथ मेल इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश कंटैक्ट।